अ वेरी गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, माय नेम इज़ लोकेश एंड वेलकम टू स्टार्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल। तो देखते हैं 3 नवंबर के करंट अफेयर, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन संबंधित है अपना विश्व कॉपरेट खेल। जो विश्व कॉपरेट खेल है कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, ये किए जाएंगे कतर में। कहाँ पर? कतर में किए जाएंगे। और बात करते हैं कतर में और कौन से खेल आयोजित होंगे फ्यूचर में, तो होंगे 2022 में फीफा वर्ल्ड कप भी कतर में ही आयोजित होगा। कहाँ पर? कतर में। ठीक है, तो अब बात करते हैं कतर की। यह है कतर, आप में देख सकते हो। कतर की राजधानी है क्या है? दोहा। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है क्या है? रियाल, यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख अब्दुल्ला बिन नासिर बिन खलीफा अल थानी, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, शेख अब्दुल्ला बिन नासिर बिल खलीफा अल थानी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है इंस्पायर। अब ये इंस्पायर क्या है? एक योजना है, ठीक है, एक कार्यक्रम है जो किसके द्वारा शुरू किया गया है। ये शुरू किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसको शुरू किया गया है। बात करते हैं क्यों किस लिए किया गया इसको शुरू, तो जो बच्चों से संबंधित है। किससे? बच्चों से संबंधित है। बच्चों के जो प्रति जो हिंसा को रोकने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। बच्चों के प्रति जो हिंसा है उसको रोकने के लिए इंस्पायर कार्यक्रम को शुरू किया गया, और किसके द्वारा किया? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो भाई देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। ये संयुक्त राष्ट्र का लोगो देखते हैं इसके बारे में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। ठीक है, बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1945 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, बात करते हैं इसके महासचिव कौन है, तो इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, इसके महासचिव है। ठीक है, तो इसमें और कितने सदस्य हैं? इसमें सदस्य 193 इसमें सदस्य जुड़े हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन समझते हैं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। अभी हाल ही में महिला विश्व कप विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित होगी, और इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए किसको? मेरी कॉम को। किसको? मेरी कॉम को इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं मेरी कॉम के बारे में। जो मेरी कॉम है ये 5 बार विश्व कप चैंपियन रह चुकी है। ठीक है, और बात करते हैं जो विश्व महिला चैंपियनशिप 2018 जो होगी, इसका कौन सा संस्करण है, तो ये 10वां संस्करण होगा। ठीक है, कौन सा? 10वां संस्करण होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है भारत तथा जापान से। अब भारत तथा जापान से संबंधित है, तो भारत तथा जापान के मध्य एक युद्धाभ्यास हो रहा है, यह होने वाला है। ठीक है, कौन सा युद्धाभ्यास है वो? धर्म गार्डियन। धर्म गार्डियन एक युद्धाभ्यास होने वाला है भारत और जापान के मध्य। ठीक है, यह जो युद्धाभ्यास होने वाला है, बात करते हैं और कौन कौन से युद्धाभ्यास होने वाले हैं, उनके नाम देख लेते हैं। कौन कौन सा है? जिम मैक्स। जिम मैक्स भी भारत और जापान के मध्य होता है। और कौन सा होता है? मालाबार भी भारत और जापान के मध्य होता है, लेकिन मालाबार में एक और देश इसके साथ जुड़ा हुआ है। वो कौन सा जुड़ा हुआ है? यूएस इसके साथ जुड़ा हुआ है मालाबार में। तो मालाबार पहले क्या था? भारत और यूएसए का था, लेकिन बाद में जापान भी आके जुड़ गया था इसमें। तो तीन देश इसमें भाग लेते हैं। एक है, अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं, कोप इंडिया करके एक युद्धाभ्यास है, कोप इंडिया करके, इसमें भारत और यूएसए था, बाद में फिर इसमें भी जापान आके जुड़ गया था। ठीक है, तो 3 हो गए 4 हो गए एक्चुअली, जिमेक्स, मालाबार, कोप इंडिया और धर्मागढ़। इन तीनों में जापान भारत के साथ काम करता है, बट मालाबार और कोप इंडिया में भारत जापान के साथ साथ यूएसए भी इसमें होता है। ठीक है, अभी कहाँ पर आयोजित हो रहा है धर्म गार्डियन, तो धर्म गार्डियन हो रहा है मिजोरम में। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ये है जापान और बात करते हैं अब मिजोरम की। ठीक है, तो मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी है आइजोल। क्या है? आइजोल मिजोरम की राजधानी है। यहाँ पर इसमें कितने जिले हैं? इसमें 8 जिले स्थित है मिजोरम में। इसका क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल है 21,081 इसका क्षेत्रफल है, 21,081 इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, बात करते हैं इसके जो राज्यपाल कौन है, निर्भय शर्मा इसके राज्यपाल है। बात करते हैं सीएम कौन, तो सीएम है पू ललनथन
हवलाया के प्रधानमंत्री हैं। कौन है? पू लरंथन हवलाया के प्रधानमंत्री हैं और राज्यपाल है निर्भय शर्मा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में देते हैं एस सी ओ संयुक्त अभ्यास। अभी हाल ही में एस सी ओ संयुक्त अभ्यास होने वाला है और कहाँ पर होगा ये? ये नई दिल्ली में कहाँ होगा? नई दिल्ली में आयोजित होगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित होगा। ठीक है, अब ये किस लिए हो रहा है? तो ये हो रहा है शहरी भूकंप खोज और बचाव के लिए हो रहा है। शहरी भूकंप तथा बचाव के लिए इसको आयोजित हो रहा है ये अभ्यास, और कहाँ पर हो रहा है? ये दिल्ली में हो रहा है। अब बात करते हैं एस सी ओ की। एस सी ओ यानी एस सी ओ मीन्स क्या होता है इंग्लिश में देखे तो? संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में संघाई सहयोग संगठन इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, बात करते हैं इसके महासचिव कौन है। तो इसके महासचिव हैं राशिद अलीमाओ, इसके महासचिव हैं। इसमें कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। कितने? 8 सदस्य हैं। और 8 सदस्य कौन कौन हैं? शुरुआत में 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, तो 2001 में कौन कौन थे इसमें? था रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसमें 6 सदस्य थे, लेकिन 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसमें जुड़ गया, तो इस कुल मिला के 8 सदस्य हो गए, जिसमें आप कुछ देख सकते हो इन सबको। ये 8 सदस्य हैं अभी इसमें संघाई सहयोग संगठन में। ठीक है, 2017 में 2 नए जुड़े, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर। इसका मुख्यालय है बीजिंग में। इसका मुख्यालय है कहाँ पर? बीजिंग में इसका मुख्यालय है। और कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम देते हैं ई क्रैकर्स। ई क्रैकर्स काफ़ी चल रहे हैं क्योंकि अभी दिवाली आ रही है और NCR में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो अभी हाल ही में एक राज्य है जिसने प्रयोगशाला में ई क्रैकर्स को ईजाद किया। कौन से राज्य ने ई क्रैकर्स को ईजाद किया? वो राज्य है राजस्थान। राजस्थान राज्य ने इसको ईजाद किया है। ठीक है, अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कितने ज़िले हैं? तो राजस्थान में 33 ज़िले हैं। कितने? 33 ज़िले राजस्थान में स्थित हैं। इसका क्षेत्रफल बात करें तो क्षेत्रफल कितना है? 342,239 इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, 342,239 का क्षेत्रफल है। बात करते हैं इसकी राजधानी क्या है, तो राजधानी है जयपुर, इसकी राजधानी है। बात करते हैं इसके CM कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, तो वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ की CM है। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है कल्याण सिंह, यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, अब ई क्रैकर से अभी ग्रीन क्रैकर्स भी ईजाद किए हैं गवर्नमेंट ने, तो कौन कौन से है वो? स्वास, सफल और स्टार, 3 क्रैकर से जो गवर्नमेंट ने ईजाद करे हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने 3 नवंबर के करंट अफेयर 7 मिनट की GK। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, और जो वीडियोज उनको शेयर करें, साथ में वीडियो जो वीडियोज अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वो अपने चैनल से जुड़ सके। और बाकी अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश के वीडियोस भी डाल रहा हूँ चैनल पे, आप उनको जाके देखें, क्योंकि मैं उनमें बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश को, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा उनको पढ़ने के बाद कि इंग्लिश इतनी ईजी कैसे हो सकती है। ठीक है, तो आप उन वीडियोस को जाके चेकआउट करें और बताएं कि कमेंट सेक्शन में कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो जो इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।